करेक्टर्स फिक्स में हम क्या ड्रॉ करेंगे, करंट और वोल्टेज का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब हम दो किस्म के ट्रांजिस्टर्स की करेक्टर्स फिक्स ड्रॉ करेंगे, पहला कॉमन बेस ट्रांजिस्टर और दूसरा कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर। कॉमन बेस की करेक्टर फिक्स ड्रॉ करेंगे, कॉमन एमीटर की भी करेंगे। अब एक प्रॉब्लम है, कॉमन बेस में कितनी या कॉमन किसी भी ट्रांजिस्टर में कितनी बैटरीज हैं, दो बैटरीज हैं, एक इनपुट में है और एक आउटपुट में है। तो इनपुट की करेक्टरिस्टिक्स अलग बनेंगी क्योंकि इनपुट की वोल्टेज अलग है, और आउटपुट की करेक्टरिस्टिक्स अलग बनेंगी उसकी वोल्टेज अलग है। तो दो करेक्टरिस्टिक्स बनेंगी कॉमन बेस की, एक इनपुट करेक्टरिस्टिक्स, एक आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स। कॉमन एमीटर की भी सेम सिचुएशन है, उसके भी इनपुट आउटपुट दो दो बैटरीज हैं। तो दो करेक्टरिस्टिक्स बनेंगी कॉमन बेस की और दो करेक्टरिस्टिक्स बनेंगी कॉमन एमीटर की। अब इसको समझने के लिए एक काम करते हैं, ये जो मैं बनाने जा रहा हूँ ये तो आप लिख ही लो क्योंकि पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। वो ये दो लाइनें सिर्फ, अगर आपके पास कॉमन बेस ट्रांजिस्टर आ जाता है, ठीक, कॉमन बेस, तो बेस बीच में रहेगा, ठीक, एमीटर लेफ्ट पे रहेगा और कलेक्टर राइट पे रहेगा, ठीक है। और अगर आपके पास कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर आता है तो ये एमीटर है, ये आपके पास बेस है और ये आपके पास कलेक्टर है, ऐसे। तो याद रखना, इनपुट सेक्शन में यहां पर एमीटर है, आउटपुट सेक्शन में यहां पर कलेक्टर है, ठीक। इनपुट में कौन है, यहां पर बेस है, और आउटपुट में यहां पर कौन है, कलेक्टर है। तो ये आप लिख लें प्लीज, ठीक, ये लिख लें, बना लें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और बार बार इसे रेफर भी करना पड़ेगा आपको। तो ये याद रखना। और एक और चीज याद रखना, जो बैटरीज होती हैं इनपुट में, जो बैटरी है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय VBE, बेस एमिटर की बैटरी, ये इनपुट बैटरी है, बैटरी का नाम ऐसे लिख सकते हैं VBE। आउटपुट बैटरी का नाम है VBC, इसमें इनपुट बैटरी का नाम है VBE, आउटपुट बैटरी का नाम है VECCE। नाम रख देना EB, इनपुट में नहीं, ये एमीटर बेस में लगेगी और ये बेस एमीटर में लगेगी। हाँ, इसमें कह सकते हो क्योंकि बेस यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर एमीटर कॉमन है और यहाँ पर इनपुट में बेस आ गया। अब नाम कैसे रखे जाते हैं, बस ये बता रहा हूँ मैं, वो वैल्यू तो चलो जो होंगी क्वेश्चन के अंदर, नाम रखने का तरीका बता रहा हूँ कि काफ़ी बुक ऐसे नाम रखती हैं, तो नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे ना यार, BE, CE, पता नहीं क्या कैसे लिखे जा रहे हैं। एटलीस्ट आपको ये पता होगा कि वो नाम रखता कैसे है। तो इनपुट का नाम वो यहाँ से रखेगा, आउटपुट का नाम वो यहाँ से रखेगा। इनपुट में यहाँ पर एमीटर है, इनपुट में यहाँ पर बेस है। तो कभी कभी क्या होगा, वो कहेगा ड्रॉ इनपुट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। इनपुट करेक्टरिस्टिक्स का मतलब ग्राफ बिटवीन VBE एंड एमीटर करंट। यहाँ पे कौन सा करंट है इनपुट में, एमीटर करंट, तो ग्राफ इनके बीच में ड्रॉ करना है। और इनपुट करेक्टरिस्टिक्स का दूसरा नाम, यहाँ पर इनपुट में कौन है, एमीटर, तो इनपुट करेक्टरिस्टिक्स या एमीटर करेक्टरिस्टिक्स एक ही बात है क्योंकि इनपुट में क्या चल रहा है यहाँ पर, एमीटर। तो इनपुट करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करो या एमीटर करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करो, एक ही बात है। इसके अंदर इनपुट करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करो या बेस करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करो, एक ही बात है क्योंकि इनपुट में कौन चल रहा है यहां पर, बेस। तो नाम कैसे रखे जा रहे हैं समझ में आ रहा है, तो ये टेबल ही काम आएगा हमेशा, ये जो लिख रखे हैं दो लाइनें, हर चीज इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। यहां तक देखो, दिखाता हूं। जैसे सपोज करो कॉमन बेस की करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो सबसे पहले कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं,
इनपुट, इनपुट का दूसरा नाम क्या है? एमीटर। आप चेक कर सकते हो अपना टेबल, इनपुट का दूसरा नाम एमीटर है इसमें, ठीक है। फिर आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट में कौन है चेक करो, कलेक्टर, तो कलेक्टर करेक्टरिस्टिक्स एक ही बात है, ठीक हो गया। जैसे नेक्स्ट है इनपुट या एमीटर करेक्टरिस्टिक्स अगर ड्रॉ करनी है तो ये रही, ये क्या कर रहे हैं, कॉमन बेस चल रहा है अभी, अभी कॉमन बेस चल रहा है। कॉमन बेस में इनपुट में करंट कौन कौन सा है, एमीटर करंट है, चेक करो वो टेबल, चेक कर लेना इनपुट में कौन है, एमीटर है, तो एमीटर करंट है। और बैटरी कौन सी है, वीईपी चेक कर लो, मैंने लिख के दी थी वीईपी, तो ठीक है। तो किसके किसके बीच में ग्राफ है, समझ में आ रहा है? ग्राफ याद नहीं करना, ग्राफ आपको पेपर में गिवन होता है, वो टेंशन नहीं। तो ग्राफ आपको इसमें गिवन होगा और कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स इसमें ड्रॉ होंगी। इसमें क्या याद रखना है, ये सर्कल कर लो, जो इनपुट करंट है वो मिली एम्पियर में है, सर्कल कर लो। कॉमन बेस के अंदर इनपुट करंट किसमें चलता है, मिली एम्पियर में चलता है, मिली एम्पियर है, ठीक है। कॉमन बेस में ही आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स ये रही, आउटपुट में कौन दिख रहा है आपको, कलेक्टर, तो आउटपुट में करंट का नाम क्या होगा, कलेक्टर करंट, और बैटरी का नाम क्या होगा, वीसीबी, चेक कर लो वीसीबी क्यों, ठीक हो गया। और ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, इंपॉर्टेंट ये मार्क करना है इसमें आपने, फिर से करंट किसमें, मिली एम्पियर। तो कॉमन बेस में इनपुट करंट मिली एम्पियर में था, आउटपुट करंट भी मिली एम्पियर में है, दोनों मिली एम्पियर में, क्लियर हो गया यहां तक? करेक्टरिस्टिक्स पेपर में गिवन होंगी, कोई टेंशन, न्यूमेरिकल बाद में देखेंगे कैसे करना है इस पे, ठीक। इसके बाद आपके पास क्या है, कॉमन एमीटर, कॉमन एमीटर की इनपुट करेक्टरिस्टिक्स, कॉमन एमीटर में इनपुट में चेक करो कौन है, बेस, चेक करो टेबल इनपुट में कौन है, बेस, और बैटरी का नाम क्या है, वीपीई बनाया था मैंने बैटरी, ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। ये कॉमन जो एमीटर है ये स्टार्ट नहीं होता शुरू में, ये देखो आप थोड़ी सी बाइसिंग की वोल्टेज बढ़ाते हो फॉरवर्ड की, तब भी इसमें करंट नहीं आता, शुरू शुरू में करंट नहीं आता इसमें, तो जैसी एक मिनिमम वोल्टेज आती है, जब करंट स्टार्ट होता है इसमें, इसको बोलते हैं कट ऑफ रीजन, इसकी कट ऑफ वोल्टेज है, ये कट ऑफ रीजन है। तो मतलब जब तक कट ऑफ नहीं क्लियर होगा तो इसमें इनपुट करंट आएगा ही नहीं, ये स्टार्ट ही नहीं होता, उसके बाद फिर ये स्टार्ट हो जाता है, कट इन रीजन में चला जाता है। तो चलो वो तो अलग बात है, इसमें सर्कल करो, जो इनपुट करंट है वो किसमें होता है इसमें, माइक्रो एम्पियर में। कॉमन एमीटर की बात हो रही है, कॉमन बेस के अंदर इनपुट और आउटपुट करंट दोनों मिली एम्पियर में है, कॉमन एमीटर में इनपुट करंट किसमें है, माइक्रो एम्पियर में। और अगर आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करें, आउटपुट में कौन है, कलेक्टर, और वोल्टेज वो रही, तो इसकी आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स में आउटपुट करंट किसमें है, मिली एम्पियर, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर इनपुट करंट किसमें था, माइक्रो एम्पियर, और आउटपुट करंट किसमें है, मिली एम्पियर। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट ये है कि ये करंट की एम्पलीफिकेशन कर रहा है, हमसे करंट लेता है माइक्रो में और देता किसमें, मिली में, 1000 टाइम ज्यादा करके देता है, तो इसलिए इसका दूसरा नाम एम्पलीफायर भी है, ये एम्पलीफिकेशन भी करता है। कॉमन बेस प्रेफर नहीं किया जाता एज एन एम्पलीफायर, कॉमन एमीटर बढ़िया एम्पलीफायर है, क्योंकि कॉमन बेस में करंट इनपुट भी मिली एम्पियर था और आउटपुट भी मिली एम्पियर है। कॉमन एमीटर में इनपुट करंट मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर है, और आउटपुट कौन है, मिली एम्पियर है, बढ़ा के है। तो सोचो इन जो ये बाइसिंग के करंट्स हैं, मैं कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर ले लेता हूँ, इसमें करंट तो दौड़ ही रहा है, मैं माइक लगा के किसी तरीके से अपना करंट, अपनी आवाज़ को भी बीच में मिक्स कर देता हूँ, मेरी आवाज़ भी 1000 गुना बड़ी होके आ जाएगी। यही तो एम्पलीफायर है जो चल रहा है, ये एम्पलीफायर मशीन जो चल रही है वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, अंदर कॉमन एमीटर एम्पलीफायर लगे हुए हैं, हल्का सा कुछ नहीं करना मैंने, जो मैं बोल रहा हूँ कॉमन एमीटर उसको एम्पलीफाई करता जा रहा है 1000 गुना, तो उससे क्या हो रहा है, मेरी आवाज़ कितनी भी टाइम्स ज़्यादा हो सकती है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ एम्पलीफायर की तरह काम करेगा, और कॉमन एमीटर प्रेफर किया जाता है क्योंकि बढ़िया एम्पलीफिकेशन करता है इंस्टेड ऑफ कॉमन बेस, ठीक है यहाँ तक। तो ये आपके जो है कॉन्सेप्ट है किसका है, करेक्टरिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट है।